हेलो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि किसान रथ होता क्या है और इसका ये क्या काम करता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको kisanrath.nic.in डालना होगा। किसान रथ एक तरीके से ऐसी सुविधा है जो किसान के उत्पाद को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए काम आती है। तो एक तरीके ट्रांसपोर्ट सर्विस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है सारी मंडियों में। अगर किसी को अनाज या कोई भी फार्म प्रोड्यूस मंडी से लेके अपने डेस्टिनेशन तक ले जाना है तो किसान रथ का उपयोग वो कर सकता है। तो इसके लिए आपको एक फिक्स प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा पोर्टल पे। दूसरा है फिर लॉगिन टू प्रोटेक्ट द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं बुकिंग के लिए। तो ये अगर आप देखेंगे तो अभी 7,765 किसान का रजिस्टर्ड है जिसमें कि इतने मेट्रिक टन अनाज लिया जा चुका है 7 दिन के अंदर का है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका एक शॉर्ट वीडियो भी देखते हैं, इसमें होता क्या है। लेट्स क्लिक ऑन दैट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द किसान रथ ऐप, इट्स इंस्टॉलेशन मेथड एंड ऑल्सो सेटल्ड इन एन ऑफलाइन मोड। सो नाउ वी विल सी हाउ कैन इसका वीडियो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है। और इसका यूज़र मैनुअल हम लोग देखते हैं क्या है, किस तरीके से क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर अप्रूवल ऑफ मंडी ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर, मंडी ऑफिसर रिलेटेड फंक्शन, रजिस्ट्रेशन बाय मंडी ऑफिसर, अप्रूवल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, रजिस्ट्रेशन बाय मंडी ऑफिसर। मंडी ऑफिसर होते हैं वही किसान रथ जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उसके लिए आपको अप्रूवल देंगे ना। स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड रिलेटेड फंक्शनलिटी, अप्रूवल फॉर ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट बाय द स्टेट मार्केटिंग बोर्ड। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करिए रजिस्ट्रेशन बटन पे। इसके बाद आपको पूरी डिटेल भर दीजिए, नाम, मोबाइल नंबर। नाउ क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन में द फॉर्म इज सेटिंग ऑफ मंडी ऑफिसर्स ओपन। नाउ यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल दीजिए, पूरी डिटेल भर दीजिए। इसके बाद आप देखिए फिल द नेम ऑफ मंडी ऑफिसर, एंटर द मोबाइल नंबर ऑफ मंडी ऑफिसर, एंटर ईमेल ऑफ मंडी ऑफिसर एंड सेलेक्ट फॉर द मंडी ऑफिसर इन द ड्रॉप डाउन। यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी आपकी पूरी, यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट किस मंडी का है, टाउन क्या है, सिटी क्या है, पिन कोड, एड्रेस और OTP आएगा आपका मोबाइल पे। फिर इसके बाद यू सेलेक्ट द मंडी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। प्लीज नोट दैट यू कैन सेलेक्ट फॉर द मल्टीपल मंडीज इन द डिस्ट्रिक्ट बाई क्लिकिंग अगेन ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप एक से ज़्यादा मंडी के लिए भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, 21 स्टेट का है वो डिस्ट्रिक्ट आपने भर दिया, इसमें टाउन की डिटेल भर दी, पिन कोड डाल दिया, OTP आएगा, OTP के बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा। नाउ ऑल सक्सेस फॉर सबमिशन देयर शैल बी डिस्प्ले इन द कैसा। थैंक्स फॉर द रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट फॉर द मंडी बोर्ड ऑफिशियल फॉर completion of registration process. Okay, now once the state mandi board approve your registration, you will be notified if a password set and you can then log in to your mobile number and default password. Now approval of service provider registration by the mandi officer. फिर अब ये login करते हैं mandi officer. login करने के बाद mandi officer क्या करेंगे, service provider pending, तो यहाँ पे देखिए एक तरीके dashboard दिखेगा कि service provider pending इतने हैं, service provider approved इतने हो चुके हैं और service provider rejected. तो mandi officer क्या होता है कि यही एक अप्रूवल का प्रोसेस देगा, अप्रूवल करेगा कि जिन ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर को। तो आप उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं कब ये रजिस्ट्रेशन हुआ था सर्विस प्रोवाइडर का। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्शन लेना है, एक्शन पे क्लिक करेंगे, अप्रूव करेंगे या कोई रिमार्क होगा तो रिमार्क डालिए, रिजेक्ट कर दीजिए। रिजेक्ट होने के बाद तो रिजेक्टेड की लिस्ट में भी आ जाएगा द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट बाय स्टेट मार्केटिंग बोर्ड। अब स्टेट मार्केटिंग बोर्ड किस तरीके से अप्रूव करते हैं, द रजिस्ट्रेशन पेंडिंग इतने डैशबोर्ड देखेगा, रजिस्ट्रेशन अप्रूव देखेगा, रजिस्ट्रेशन रिजेक्टेड देखेगा। नाउ द लिस्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल इज डिस्प्ले, द मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, ईमेल आईडी, नेम, डेजिग्नेशन एंड रजिस्ट्रेशन, राइट। तो अप्रूवल रिजेक्टेड रिक्वेस्ट क्लिक करेगा, वही सेम प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
Thank you so much for your watching my video. I hope you like this to understand what about for the Kisan Rath और किसान रथ के रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस है. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइव में दिख जाएगा. आगे आप मैनुअल पर क्लिक करिएगा और मैनुअल के बाद आप डैशबोर्ड भी यहाँ पे लॉगिन करके देख सकते हैं. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. आई होप इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू बिकॉज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द मंडी ऑफिसर्स मंडी एंड फार्मर्स जूस हु आर डीलिंग विद देयर प्रोडक्शन विद and they are selling their produce in mandis. Thank you.